हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं पंकज मौर्या, बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर से, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं कि सदाबहार के पौधे में हज़ारों फूल कैसे लें एक ही पौधे से, या ढेरों फूल कैसे लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो हम देखते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम छत पे रूफ गार्डन यानी टेरेस गार्डन बना रहे हैं, जिसमें सारे फ्रूट्स होंगे और वेजिटेबल्स होंगी सीजनल, और फ्लावर्स तो होंगे ही, क्योंकि फ्लावर्स का जो पौधे प्लांट होते हैं उनका बहुत अहम रोल होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट कल्टीवेशन में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो भी गार्डन लवर हैं और जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए भी हम संडे हर स्पेशली रविवार को एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें उनको आने वाली जो भी उनकी फसल होगी उसमें जो भी बीमारी आने वाली होगी, उसके कोई किसानों के लिए कोई नई तकनीकी ज्ञान होगा वो बताएंगे, कोई भी नई स्कीम आ रही है तो उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत दिख रही है, कोई भी कमी लग रही है आपको, तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और किसी जल्दी ही मैं आपको पूरे अपने छत पर जो रूफ गार्डन है उसका हम पूरा रिव्यू कराएंगे, पूरा गार्डन दिखाएंगे, क्या क्या हमारे पास है फ्रूट्स में, क्या वेजिटेबल्स में है और क्या क्या हमने उगा रखा है। तो आगे बताते रहेंगे और आप लोगों के साथ साझा करते। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे छत पर लगा हुआ है, हमने एक छोटी सी क्यारी बनाई थी 3 इंच की ऊंचाई की, और उसमें ये पौधे को लगाया था हमने। ये देखिए कितने ज़्यादा फूल इसमें खिले हुए हैं, और डेली खिलते हैं फूल, पूरा साल बराबर फूल खिले रहते हैं। तो इसके लिए एक पूरा फूल खिलाने के लिए हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये देखिए, पहले हमको दिखाते हैं, इसका पूरा लुक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखो कितना ज़्यादा हर ब्रांच में इतना फूल लगा हुआ है, और ये सुबह खिल जाते हैं, पूरा दिन खिले रहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर मिट्टी में आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर ये पेड़ लगा है, ये देखिए मिट्टी इसकी सूखी सूखी सी है, ये देखो एकदम भुरभुरी मिट्टी हो गई है, सूख गई है। इसको ज़रा सा भी आप उंगली से दबा दोगे तो वहाँ से फूट जाती है, दानेदार एकदम बन जाती है मिट्टी। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा रखिए, और वाटरिंग इसकी तभी करिए जब ये पूरी तरीके से मिट्टी, जैसे यहाँ आपको दिखा रहे हैं, इसकी ऊपरी लेयर एकदम सूख जाए। और दूसरा जो सबसे मेन उपाय आपको करना है, इसको हर एक महीने या डेढ़ महीने में आपको वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देनी है। जब अच्छे से इसकी मिट्टी सूख जाए तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, लगभग 2-3 मुट्ठी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा अगर नहीं आपके पास है तो, नहीं तो आप इतनी ऐड कर दीजिए, लगभग आधा किलोग्राम है ये, और इसमें से थोड़ी हम रख लेते हैं, बचा लेते हैं। इतनी हर एक डेढ़ महीने के अंतर पर आपको देना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कोई भी गोबर की खाद, गाय का गोबर, कुछ भी हो आपका अच्छे सड़ा हुआ हो, वो आप डाल सकते हैं। डाल के उसको हाथ से ऐसे या खुरपी से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको इसमें पानी देना है, तो चलिए हम इसमें पानी दे देते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसको वर्मी कंपोस्ट, या जो भी कोई फ्रूट वाला फल जिसमें फल लगते हैं वो भी अगर पेड़ है तो उसमें भी आपको वर्मी कंपोस्ट या जो गोबर की खाद जो होती है वो ज़रूर देनी पड़ती है। अगर आप नहीं देंगे और इसकी जगह पर अगर आप कोई केमिकल यूज कर देंगे उसकी बढ़वार के लिए, तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है, वनस्पतिक वृद्धि, वो तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें फूल की कलियाँ बहुत ही कम बनेंगी। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, हमने पानी इसमें दे दिया है, ये देखो 2 मिनट बाद पूरा पानी सूख गया है, अंदर तक चला गया है। अब इसमें 3-4 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गर्मी हो रही है फिर भी। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये देखिए, इसमें जो नई नई कलियाँ निकल रही हैं, और ये इसके ब्रांच में देखिए, ये बीज की इसकी फली बन रही हैं, ये देखिए, ये जब फली बन जाती हैं तो ये चिटक जाती हैं जब इसका बीज पक जाता है, और वहीं पर गिर जाती हैं, तो बहुत सारे नए नए पौधे निकल आते हैं वहीं पर ज़मीन से, जो जहाँ लगा होता है मिट्टी में। तो इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आपको तोड़ देनी हैं, जो आपको सीड बनाना है वही फलियाँ आप रखें, तभी आप ज़्यादा फ्लावर पा पाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इसको हफ्ते में एक बार पाइप से या जिससे हजारे से इसके ऊपर से पानी डालना है, ताकि इसकी जो पत्तियों पर डस्ट होती है वो धुल जाए। इससे क्या होगा कि जो इसका जो देखने का लुक जो दिखाई देता है वो भी अच्छा दिखेगा। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत तेज़ होती है,
और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहती है। ये देखिए इसका लुक देख लीजिए कितना अच्छा हो गया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।